हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ रोटी की रेसिपी। रोटी की रेसिपी के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे फरमाइश की थी, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और गोल और सॉफ्ट रोटी कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, आटा गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट वो आगे की मेरी वीडियोज़ आने वाली वीडियोज़ देख सकें। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सॉफ्ट और राउंड रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक गिलास पानी ले रही हूँ और दो कटोरी आटा ले रही हूँ, और इसमें मैं एक चम्मच नमक डालूंगी। कुछ लोग जो है रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, एक चम्मच ऑयल और नमक के साथ बनाते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ बस थोड़ा सा। इसमें मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और अब इसको हम आटे को गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज आपका आटा खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो उसके बाद आपको आटा मिलाना पड़ेगा, अगर आपके आटा जो है गीला हो जाता है तो आप थोड़ा सा आटा मिला लीजिए उसमें। तो इस तरह से मैं आटा गूंदना शुरू कर रही हूँ। एक साइड से आटा जो है अपने हाथ में इस तरह से लपेट लेंगे और उसको साइड कर देंगे, और फिर दूसरी साइड जो थोड़ा सा आटा बचा है उसको भी थोड़े से पानी के साथ गूंद लेंगे। इस तरह से उसको गूंद कर सारे आटे को एक साइड कर लेंगे, इसको एक साथ करके फिर गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा सा रह गया इसमें हल्का सा, थोड़ा सा पानी लेके इसको भी हम गीला कर लेंगे और एक साथ ले लेंगे इसको, और इसको अच्छी तरह से एक साथ लेके और इसको गूंदना शुरू करेंगे। अपनी हथेली के बैक साइड से हम इसको गूंदना शुरू करेंगे अभी। सॉफ्ट और राउंड रोटी बनाने के लिए आटा ना ही तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो आप अपनी हथेली के बैक साइड से इसको इस तरह से गूंद सकते हैं, और आटे को आपको ना ही ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। पतला रखेंगे तो रोटियां सही नहीं बनेंगी, और गाढ़ा रखेंगे तो आपकी रोटियां सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाना है, और इसको जितना हम गूंदेंगे उतना हमारा जो डो है आटे का वो सॉफ्ट बनेगा और रोटियाँ सॉफ्ट होंगी। इस तरह से अब इसको हम रख देते हैं आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, वैसे तो आप इसको इंस्टेंट भी रोटी बना सकते हैं, लेकिन 5 मिनट रेस्ट करेंगे, आटे को रेस्ट कराएंगे तो आपकी रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। अब इसमें पानी को छींटे डालकर मैं इसको दोबारा से हथेली की बैक साइड से इसको गूंदना शुरू कर रही हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए लगभग 1-2 मिनट के लिए और गूंद लूँगी, जिससे आटा हमारा स्मूथ हो जाएगा। काफ़ी आटे को एकदम हमें स्मूथ करना है, चिकना करना है, उसके बाद हमारी रोटियाँ एकदम सॉफ्ट बनेंगी। आटा हमारा गूंद चुका है, ये देखिए कितना स्मूथ हो गया आटा। ये आटा हमारा बन चुका है, देखिए कितना स्मूथ है ये। अब इससे हम रोटियां बनाएंगे। वैसे तो आप इसमें रोटी के लिए जो सूखा आटा है वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप अलग से रखेंगे तो आटे में जो लोगों को कीड़े लगने की शिकायत होती है वो नहीं लगे, आटे में कीड़े नहीं लगेंगे। तो मैं इसको एक अलग कंटेनर में रखती हूँ। थोड़ा सा आटा लेंगे इस आटे में से, इसको हम हाथ में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और एक इसका राउंड शेप में एक बॉल की तरह से इसको बना लेंगे। इसको कुछ लोग पेड़ा भी कहते हैं, आटे का एक पेड़ा बना लेंगे, और इसको सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे। और अपनी हथेली और उंगली की हेल्प से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, इसको फ्लैट कर लेंगे।
इस तरह से कटोरी की शेप में बनाएंगे इसको, इस तरह से ये देखिए। और इसको फिर एक बार सूखे आटे में डस्ट करके हम बेलना शुरू करेंगे। बेलन को हमें बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ना है और उसको घुमाना है हल्के हाथ से, तो रोटी हमारी अपने आप से ही बड़ी हो जाएगी, फैलने लगेगी। ये देखिए रोटी हमारी बन चुकी है, काफ़ी गोल ये राउंड शेप में बनी है। और अगर आप इस तरह से नहीं घुमा सकते तो आप रोटी को उठा उठा कर चकले के ऊपर मतलब रखेंगे, तो फिर उसके बाद बेलना शुरू करें तब भी आप रोटी को बेल सकते हैं। देखिए काफ़ी राउंड शेप में बन गई है रोटी। तवा रख देते हैं गरम होने के लिए। अब रोटी को हम हाथ पे उठाएंगे इस तरह से, और इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे को हमें थोड़ा सा गरम कर लेना है, उसके बाद ही रोटी डालनी है। इसको लगभग एक मिनट के लिए रख, एक मिनट बाद ये एक साइड से जो है सेक जाएगी रोटी, तो इसको पलट लेना है। पलट कर दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। अगर गैस तेज़ है, अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसको सिम कर सकते हैं, तवा ज़्यादा गर्म आपको लग रहा है तो। रोटी जो है दोनों साइड से सिक चुकी है, इसको अब उठाकर हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे। फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखना है और हल्के हाथ से ही इसको फ्लेम के ऊपर हमें रखना है, और जल्दी से हम इसको उठा लेंगे फ्लेम के ऊपर से, अदरवाइज जल जाएगी रोटी। इस तरह से उठाकर दूसरी साइड से भी हल्का सा हम सेक लेंगे इसको। ये देखिए हमारी रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनी है, इसको हम रख लेते हैं कैसरोल में और दूसरी रोटी सेकते हैं। तो गाइस ये हमारी रोटियां बनकर रेडी हो गई हैं, काफ़ी सॉफ्ट बनी है ये। इसको आप कैसरोल में अंदर रख कर और अच्छी तरह से कवर करके आप इसको ढककर रख दीजिए। ये काफ़ी देर तक कैसरोल के अंदर गर्म भी रहेंगी, सॉफ्ट बनी रहेंगी। रोटी को हमेशा ढककर रखिए। तो गाइस इस तरह से आप एक राउंड और सॉफ्ट रोटियां बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।